टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माइक लैम के कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मुझे एज अ ब्यूटी बॉक्स मिले थे। एंड फेब एंड मार्च के मेरे पास जो कलेक्शन है, मैं वो प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी, प्लस उनका रिव्यू शेयर करूँगी कि मुझे वो कैसे लगे। फ्रेंकली स्पीकिंग के इट्स नॉट यू नो मतलब प्रमोटिंग वाला नहीं है, क्योंकि ये फ्री मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं इनके बारे में अच्छा ही बोलूँगी, बट या जो इसमें फैक्ट है मैं वही बताऊँगी। सो या चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट यहाँ पे इस तरीके का बॉक्स आपको मिलता है, चाहे वन प्रोडक्ट हो या टू हो, तो वो इसी तरीके की पैकेजिंग में आता है। सो इसमें जो फैब वाली कलेक्शन थी वो मिक्स है इसके अंदर सब कुछ, तो आई डोंट नो कि कौन से क्या था, तो मैं सब आपको एक साथ मिक्स करके ही बताऊंगी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये है हाइलाइटर जो कि दो टाइप का है इसके अंदर हाइलाइटर, और इस तरीके से पैकेजिंग में आता है। इट्स अ माय ग्लैम पोज HD हाइलाइटर डुओ। सो इसके अंदर आपको ये दो शेड्स मिलते हैं, एक थोड़ा ब्रॉन्जी है, एक थोड़ा गोल्डन वाला काइंड ऑफ है। सो एंड इसकी अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो इट्स क्वाइट गुड। तो एकदम जो ये ब्रॉन्जर वाला है वो इसमें कैच नहीं हो रहा है, बट इट्स नॉट यू नो चौकी वाला काइंड ऑफ नहीं है। इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और एकदम नेचुरल लुक है, डे के लिए तो बहुत अच्छा है। बहुत यू नो मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ जो इनका हाइलाइटर है उसके अकॉर्डिंग में अगर इसे कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पिगमेंटेड है और उससे ज़्यादा हाइलाइटिंग आती है फेस पे। तो मैंने ये अभी अप्लाई कर रखा है, इसके ऊपर मैंने मैबलिन का अप्लाई करा है तो इतनी शाइनिंग आ रही है, अदरवाइज इसमें इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है जैसे एक हाइलाइटर में यू नो फर्स्ट अप्लाई करते ही आती है। बट अगर किसी को नेचुरल लुक के लिए हाइलाइटर चाहिए तो इट्स गुड। और अगर इसकी MRP की बात करूँ इट्स 699, और माई ग्लैम पे अगर आप देखेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ आपको ऑफर्स मिलते रहेंगे। सो मैं अपना एक रेफर कोड आपको यहाँ पे दूंगी जिसके थ्रू आप शॉपिंग करेंगे तो आपको और भी बेनिफिट्स और ऑफर्स मिलेंगे। सो आप इसका लिंक वगैरह जो भी होगा वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ओके, तो ये था फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास ये माइग्लैम लिट नेल एनामल, ये नेल पेंट मिला था। इसमें यू नो जब हमें प्रोडक्ट्स आते हैं तो हमको कलर चॉइस दी जाती है कि हम कौन सा कलर पिक करना चाहते हैं, सो मैंने ये वाला एक शेड पिक किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था अकॉर्डिंग टू समर। एंड ये वाला जो यू नो नेल पेंट है ये एकदम मैट है, लगाते ही सूख जाता है। सो या ये इस टाइप से है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें था यू नो बारबी मेकअप लुक, तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी तो आप देख सकते हैं। एंड इसका जो शेड है वो है बाय फेलिशिया 14, एंड इसकी MRP इट्स 220, और ये इस तरीके से पैकेजिंग में है। बट इसकी एक चीज़ अगर मैं बोलूँ नेगेटिव में तो वो है इसकी फ्रेग्रेंस जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेल रिमूवर में जो एक फ्रेग्रेंस होती है ना, स्मेल होती है ना, वो है जो मेरे जैसे कुछ लोग हैं तो उन लोगों को थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम हो सकती है, और मुझे भी अप्लाई करते हुए इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा सर में चढ़ रही थी। बट इसकी एक बेस्ट चीज़ ये है कि ये क्विक ड्राई है तो ये लगाते ही सूख जा रहा था, तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हरी में हैं और आपको यू नो रास्ते में भी अप्लाई करना है ना, यू कैन गो फॉर इट गाइस। और कलर तो आई जस्ट लव इट। लिपस्टिक मैं एंड में शेयर करूँगी, अभी मैं दूसरे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है माइग्लैम स्टे डिफाइन लिक्विड आईलाइनर प्लस HD ब्रो पाउडर। तो इट्स अ 2-in-1 जिसके अंदर आपको आईब्रो भी मिलता है और आईब्रो पाउडर मिलता है एंड लिक्विड आईलाइनर भी मिलता है। सो ये इस टाइप से पैकेजिंग में आता है। तो इसमें यहाँ पे एक साइड पे है, ये है ब्रो पाउडर एंड ये है आईलाइनर। तो फर्स्ट हम आईलाइनर देख लेते हैं, और इसमें टू शेड्स हैं ओनली, ब्राउन एंड ब्लैक। तो मैंने जब चूज़ किया था तो ब्राउन किया था क्योंकि ब्लैक लाइनर तो ऑलमोस्ट होता है, एंड ब्राउन नहीं था। इसकी स्ट्रोक एकदम थिन है,
किसी को बहुत यू नो विंग लाइनर ड्रॉ करना है एकदम थिन वाला, तो बहुत अच्छा है इसका एप्लीकेटर, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम थिन सा है और ब्राउन कलर भी बहुत प्यारा है और इट्स ऑल्सो अ क्विक ड्राई, तो आप देख सकते हैं ये ड्राई हो गया। सो नेक्स्ट है ये ब्रो पाउडर, जिसका एप्लीकेटर कुछ इस तरीके से आता है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इजी टू अप्लाई है, बिगनर्स के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि एकदम से पाउडर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी ये बहुत अच्छा है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और इसकी अगर MRP की बात करूँ तो इट्स 1095, बट आफ्टर डिस्काउंट आपको ये कम का मिल जाएगा। और इसके प्राइजेस की बात करूँ तो मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, थोड़े से हाई हैं, क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली जो बिगनर्स हैं या जो अभी अभी चीज़ें सीख रहे हैं उनके लिए। बट या अगर आप ये ऑफर्स वाले, आजकल उसके अंदर बहुत सारी चल रही है, सर्वे में जो चल रहा है, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं, किसी के रेफर कोड के थ्रू जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप रेफर कोड ज़रूर यूज़ करना मेरा, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे माइग्लैम का वीली प्रिसीशन आईलाइनर एंड स्टाइलिस्ट, और ये मेरे को बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा लगा था। इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरीके से है, और जो ये आईलाइनर है वो ब्लैक कलर का है, और ये इस तरीके से आता है व्हील में। ये व्हील है और ये बस आपको आगे पीछे इसको घुमाना है, नथिंग एल्स। और ये और इसकी भी स्ट्रोक बहुत पतली आती है, बहुत अच्छा है और एकदम यू नो मैट फिनिश वाला है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका फॉर्मूला। और इसकी अगर प्राइस की बात करूँ तो इट्स 895, तो प्राइजेस भी ओके हैं क्योंकि इट्स यू नो ब्रांड है थोड़ा, तो इस वजह से। बट ये इसका जो एक इस तरीके से जिस फॉर्मूला में आया है ना, जिस पैकेजिंग में आया है, वो चीज़ सबसे यूनिक है और बहुत अच्छी है, तो बहुत ईजी है इसको अप्लाई करना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे माइग्लैम का पाउडर मैजिक आई शेडो स्टिक आई लाइनर, सॉरी लाइनर नहीं है, बट हाँ यू कैन यूज एज अ आई लाइनर ऑल्सो, बट ये पाउडर आई शेडो है तो लाइनर तो ये आई डोंट थिंक सो वर्क करेगा, बट ये आई शेडो के लिए मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। सो ये अभी कैमरे में नहीं दिख रहा है, ये बहुत ही लाइट मॉव सा शेड है, तो इसमें एक बहुत प्यारी एकदम सॉफ्ट वाली सी फ्रेग्रेंस भी आती है। तो MRP वो 950 है, जो कि थोड़ी सी हाई है, एक इतनी सी पेंसिल के लिए 950 थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अदरवाइज़ बहुत लाइट, अगर आपको कुछ मेकअप करना है, आई शेडो जिनको नहीं आता है अप्लाई करना, उनके लिए बहुत अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ 2-3 ऑप्शंस कलेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट ये था, और उसके बाद मैंने मेरे को मिला था ऑप्शन में लिप लाइनर, तो लिप लाइनर्स मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, बट उस वक्त जो लुक क्रिएट करनी थी उसके लिए मेरे को ये वाला शेड अच्छा लगा, और ये शेड है पर्पल में, जो कि काफ़ी प्रिटी, और इसे आप एज अ यू नो लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, एज अ आई शेडो, एज अ आई लाइनर, तो मल्टी यू नो यूज़ के लिए है ये, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये भी शार्प हो जाएगा, इट्स अ पेंसिल, तो और इसका ऊपर की जो पैकेजिंग थी गाइज, वो मैंने शायद फेंक दी थी, तो इसकी MRP इट्स 445 रुपीज़। तो अब चलते हैं लिपस्टिक की तरफ, तो लिपस्टिक में मेरे पास अभी कलेक्शन हो गई है 3 लिपस्टिक्स की, जिसमें से फर्स्ट तो मैंने जो अपने आप से मंगाई थी सर्वे में से, तो वो मैंने ये वाली ली थी, और इसका जो फुल रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाया है, तो या। और इसकी स्वेच की बात करूँ तो इट्स ब्राउन कलर, तो काफ़ी प्रिटी शेड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये किसी भी आउटफिट के साथ आप इजीली कैरी कर सकते हो। इसका जो मेन फॉर्मूला है ना, मेरे को लिक्विड लिपस्टिक्स बिल्कुल इतनी पसंद नहीं है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है और इनमें स्मेल नहीं है, बहुत लाइट वेट है, सबसे मेन इसमें जो होता है, कुछ लिपस्टिक्स
बहुत कॉस्टली होने के बावजूद भी बहुत हैवी लगते हैं आपको लिप्स के ऊपर, बट ये ऐसी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। तो या ये मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी चीज़, तो इसलिए मुझे लिक्विड लिपस्टिक अब थोड़ी सी अच्छी लगने लगी हैं, बट जो इस टाइप की होंगी वही। तो नेक्स्ट है ये, और हाँ सॉरी, इसका जो शेड था वो था इंस्टाग्राम स्टैंडिंग, और बाकी सबके मैं लिंक वगैरह आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट है ये पिंक कलर में, और इसका शेड है थर्स्ट ट्रैप। तो ये शेड भी बहुत प्रिटी है, इसके साथ मैंने लास्ट अपनी एक लुक क्रिएट की थी। तो सबसे प्रिटी लगता है मुझे वाला शेड, बहुत प्यारा लगता है समर्स में, विंटर में बहुत। और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए तो सबसे बेस्ट है, तो ये शेड उनके लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा अदरवाइज। और इस फॉर्मूला जो है इनका सेम है, और शेड मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये लिक्विड लिपस्टिक नहीं है, और इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत क्यूट लगी। ये है MyGlam अल्टीमेट लॉन्ग स्टे मैट लिपस्टिक, जिसका शेड है बॉम्बशेल, और इसकी जो प्राइस है वो है 699, और इस वाली लिपस्टिक के जो प्राइस थे वो हैं 395, जो कि अगर आप सर्वे और यू नो रेफर कोड के थ्रू लेंगे तो आपको ये आई थिंक सो 99 के अराउंड पड़ेगी। तो या और ये अभी न्यू लॉन्च में से है इनकी, और इट्स फॉर्मुलेटेड इन इटली, सो इसकी प्राइस थोड़े से हाई है 699। तो और बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है, बट बहुत प्रिटी है, इस तरीके से गोल्डन पैकेजिंग में आपको रिसीव होगी, थोड़ी क्लासी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये इस तरीके से शेड है, जो कि आप यू नो इट्स नॉट प्रॉपर रेड और नॉट प्रॉपर मरून, तो ये दोनों का यू नो बीच का कलर है, तो ये काफ़ी प्रिटी है शेड। कैमरे में बिल्कुल रेड लग रहा है, बट एक्चुअल इट्स यू नो मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे थोड़ा मरून काइंड ऑफ लग रहा है, बट ये दोनों के बीच का शेड है, सो इट्स रियली गुड। और इस टाइप की लिपस्टिक्स तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये एकदम ड्राई नहीं करती है लिप्स को, मेरे को बहुत ज़्यादा सूट करती है, सो आई लव इट। सो ओवरऑल अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे, बस थोड़े से एक्सपेंसिव है, अदरवाइज इट्स रियली गुड। और अगर ये मुझे इस तरीके से मिल रहे हैं, आई एम नॉट स्टिल अ ब्यूटी क्रिएटर ऑन MyGlam, बट आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंट लुक्स जिसके लिए मुझे MyGlam ने चूज़ किया है, एंड वो हमको मंथली एक प्रोडक्ट्स यू नो प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग न्यू लुक्स क्रिएट करते हैं और चांस मिलता है ब्यूटी क्रिएटर बनने का। सो या आई एम यू नो लगे हुए हैं लाइन में, शायद हम भी बन जाए। सो या दैट्स इट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इस लुक के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि है मेकअप ब्लैक स्मोकी आई लुक फॉर ईद। सो इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट, सो गो एंड चेक आउट, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।